गुड मॉर्निंग भैया बहनों, आज हम कक्षा 7 मिठाई वाला पार्ट 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे, इसलिए आप भी अपनी बुक्स निकाल लें और मेरे साथ साथ अध्ययन करें। पार्ट 5 मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यानी बहुत ही मीठे स्वर यानी मधुर स्वर के साथ में गलियों में घूमता हुआ खिलौने वाला आता है और वो कहता रहता है, आवाज़ लगाता रहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते हैं। इस अधूरे वाक्य को यानी इस वाक्य को वह इस तरह से मादक यानी नशीले मधुर ढंग से प्रेम युक्त ढंग से गाकर यानी ऐसे मधुर स्वर से वह कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते हैं, कि सुनने वाले को एकदम बेचैन हो उठते हैं। उसके स्नेहाभाषित कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। यानी उसकी इस प्रेम युक्त कंठ से गाते हुए गाना जो वह ऐसे बोलता रहता है, उसके गाकर सुनकर निकट यानी पास के मकानों में हलचल सी मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती है। यानी जब वह आवाज़ लगाता है तो छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में उनकी माताएं लेकर चिकों को उठाकर, चिकों यानी बांस की तीलियों से बने पर्दे, उनको छज्जों पर यानी छतों पर जाकर नीचे झांकने लगती है। गलियों और उनके अंतरव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है और उसे वह सारे बच्चे उस खिलौने वाले को घेर लेते हैं। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है। पेटी यानी संदूक, जो भी उसका पिटारा होता है उसको वह खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं यानी रोमांचित हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोलभाव करने लगते हैं और वह अपने घर से पैसे लाकर इस खिलौने का मोलभाव करने लगते हैं। पूछते हैं इचका यानी इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है, और इचका यानी तुतलाते हुए स्वर में बोलते हैं कि इसका दाम क्या है और इसका दाम क्या है। और इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। खिलौने वाला उन बच्चों को देखता और उनकी जो छोटी छोटी उंगलियाँ हैं उनमें से, उनसे बच्चों से जो भी वह पैसे देते, बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। यानी जैसे भी वो बच्चे पैसे देते तो उनसे वह ले लेता और अपने बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार वह खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते। तब वह खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, यानी बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला आया है। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुँचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यानी सागर के जैसे सागर में हिलोर यानी लहरें हिलोरे मारती है, उसी भांति यह मादक यानी नशीला गान गली भर में यानी गली पूरी गली के अंदर मकानों से इस ओर से उस ओर तक यानी इस छोर से उस छोर तक पहुँचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। राय बहादुर जो व्यक्ति है उनके बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर पे आए। वे दो बच्चे थे, उन दो बच्चों का नाम था चुन्नू और मुन्नू। उन दोनों बच्चों का, राय बहादुर जी के जो बच्चे थे उन दोनों बच्चों का नाम था चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर है। यानी बतुतलाते हुए स्वर में बोला कि मेरा जो घोड़ा है वह कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला ओल देखो मेरा कैसा सुंदर है। और वह जो उसका राय बहादुर जी के दोनों बेटे थे वो अपने अपने खिलौनों को लेकर कहते हैं कि देखो मेरा कितना सुंदर घोड़ा है। वह कहता है कि मेरा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े को लेकर घर भर में उछलने लगे। यानी जो वह घोड़े और हाथी के खिलौने लाए थे दोनों बच्चे अपने घर भर में उछलने लगे।
इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अब इनकी माता कौन थी? माता का नाम था रोहिणी। वह कुछ देर तक खड़े खड़े उनके खेल को निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो वह अपनी माँ उनसे बच्चों को बुलाकर पूछती है कि चुन्नू मुन्नू तुमने ये खिलौने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, दो पैसे में, यानी दो पैसे में खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है? वह ऐसे सोचने लगी, भाई जो खिलौने वाला है वह दो पैसों में इन बच्चों को इतने अच्छे अच्छे खिलौने कैसे दे गया है? यह तो वही जाने, लेकिन दे ही गया है तो इतना तो निश्चय है। लेकिन वह कहती है कि अब खिलौने वाला निश्चय ही उनको दे ही गया है, तभी तो ये लेकर आए हैं। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर वह थोड़ी सी ठहरती है और अपने काम में लग जाती है। फिर कभी उसे उस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, और फिर उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। 6 महीने के बाद में नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया, और 2-4 महीनों के बाद में उसी गांव के अंदर एक मुरली वाला भी, यानी मुरली बेचने वाले का समाचार भी फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में तो वह एक ही उस्ताद है, यानी मुरली बजाने के लिए तो वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी दो पैसों में, यानी मुरली बेचता है, गाना सुनाता है, वह भी दो पैसों में बेचता है। भला इसमें उसके क्या मिलता होगा, यानी उससे इसको क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी, यानी उसकी जो मेहनताना है वह भी उस मुरली से दो पैसों से कहाँ आता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? एक व्यक्ति था, उसने पूछ लिया कि कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यह तो यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। यानी उसकी वेशभूषा के बारे में कहा, किसी ने पूछा कि भाई क्या ये जो मुरली वाला उसको तुमने देखा है? तो उसका उत्तर में दूसरा व्यक्ति बोलता है कि उसकी उम्र अभी अधिक नहीं है, वह 30-32 वर्ष का ही है और दुबला पतला और गोरा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्या वह खिलौने भी बेचा करता है? यानी वो कह रहे कि भाई वही तो नहीं है जो पहले हमारे गांव में खिलौने बेचने आया करता था, और क्या वह खिलौने भी बेचा करता था? यानी अभी पहले तो वह खिलौने बेचता था, अभी वह मुरली बेचने लग गया, तो क्या वही है? हाँ, जो आकर प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। यानी जो आकार प्रकार उसने बताया है वह भी वैसा ही था। किसके बारे में कहा है? जो पहले खिलौने वाला आता था उसके बारे में कहा गया है कि भाई वह भी ऐसा ही था जैसा कि ये मुरली वाला बेचने आता है। आज हमने इसी पाठ का इतना ही अध्ययन करेंगे, आगे का पैराग्राफ अपन कल वाले वीडियो में देखेंगे और अध्ययन करेंगे। थैंक यू।